पैकिंग फ्रैक्शन है मास एक्सेस बाय मास नंबर। अगर आप किसी भी न्यूक्लियाइड को, एक्चुअल वेट ऑफ न्यूक्लियाइड को फिजिकल स्केल पे तोलें, उसका मास एम आता है, पर एटॉमिक मास नंबर उसका क्या होता है, ए होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम और ए, एम ज़्यादा आता है, ए हमेशा कम होता है। तो जो भी डिफरेंस है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर, इसको पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। वो बोलेगा एक नंबर में सीबीएसई में इंपॉर्टेंस क्या है पैकिंग फ्रैक्शन की, लार्जर द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो मतलब जितना बड़ा पैकिंग फ्रैक्शन होगा उतना ही न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा, या स्टेबिलिटी बताता है बस।